चलिए काम करते हैं, आपके अकाउंट में 86,400 रुपीज़ डालते हैं, तो क्या आप उसे यूज़ करेंगे? जी हाँ बिल्कुल करेंगे। उसके अंदर एक कंडीशन है कि वो रात के 12 बजते ही वो सारा का सारा 86,400 रुपीज़ ज़ीरो हो जाएगा, आप उसे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक और कंडीशन लगाते हैं कि रात के 12 बजे के बाद 86,400 रुपीज़ फिर से मैं आपके बैंक अकाउंट में डाल रहा हूँ, तो क्या आप दोबारा से उसे यूज़ करेंगे? बिल्कुल पक्का यूज़ करेंगे। और अगर मैं ऐसा हर रोज़ करता हूँ तो आप तो बोलेंगे वाह बहुत बढ़िया, हमें हर रोज़ 86,400 रुपीज़ मिल रहा है, हम इसे ज़रूर यूज़ करेंगे अपनी मर्ज़ी से। तो क्यों नहीं करते? भगवान जो हर रोज़ आपको 86,400 सेकेंड्स आपके लाइफ में दे रहा है, आप उसे 100% यूटिलाइज क्यों नहीं करते? जब आप पैसों को करते हैं तो उसको क्यों नहीं करते? इंग्लिश में एक टाइम इज कहावत मोर है, वैल्यूएबल देन मनी, टाइम आपको ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें देगा। अपने टाइम को जो आपको हर रोज़ 86,400 सेकेंड्स भगवान दे रहे हैं, आप उसे सही जगह यूज़ करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको मनी चाहिए, आपको मनी मिल जाएगा। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं पेपर में, आपको अच्छे मार्क्स पेपर में मिल जाएंगे। आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है कॉम्पिटिटिव, तो वो भी आप क्लियर कर पाएंगे, और वो आप हर एक चीज़ पा पाएंगे जो अभी आप पाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये इस वीडियो के अंदर छुपा हुआ लेसन समझ आया होगा और आप उसे फॉलो करेंगे और अपने टाइम को 100% यूटिलाइज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये टाइम निकलता जा रहा है, ये नहीं मेरे बस में है, नहीं आपके बस में, ये बस हमारे ऊपर है कि हम इस टाइम को कैसे यूज़ करते हैं। पैसे हम वापस कमा सकते हैं लेकिन टाइम नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कमेंट, लाइक एंड शेयर।